श्रद्धा वॉकर मर्डर ने कट्टरपंथी यूट्यूबर को लव जिहाद पर रैप करने के लिए प्रेरित किया है। जनता ने कर दी पुलिस कार्रवाई की मांग। गीत में हिंदू महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से दूर रहने के लिए कहा गया है। हिंदू पुरुषों से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का आग्रह किया गया है और माता पिता को सावधान रहने के लिए कई लव जिहाद रैप गाने बनाए गए हैं। 27 वर्षीय श्रद्धा वॉकर की हत्या की खबर आने के कुछ दिनों बाद एक यूट्यूब म्यूजिक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें एक गायक महिलाओं को मुस्लिम लड़कों से दूर रहने के लिए कहता है। बैकग्राउंड में कथित तौर पर लव जिहाद की शिकार महिलाओं की तस्वीरों के साथ गाने ने पिछले 3 दिनों में यूट्यूब पर काफी व्यूज बटोरे हैं। गाने में रॉय रजनीश रैप करते हैं कि ऐसे कहीं आफताब हमारी बहन बेटियां तब तक फुसलाएंगे जाएंगी। गाने में रॉय रजनीश रैप करते हैं कि ऐसे कई आफताब हमारी बहन बेटियों को तब तक फुसलाए जाएंगे जब तक हम इन जैसों को जिंदा नहीं जलाएंगे। अगली लाइन में रजनीश गाते हैं, सुन लो मेरी बहनों जरा, ये सब इनकी चाल है, जागो नींदों से सोचो जरा, ये गीत लिखा है क्योंकि मुझे तेरा ही ख्याल है। गाने में आफताब पूनावाला को संदर्भित करता है, जिस पर अपनी साथी श्रद्धा वॉकर की हत्या करने, उसके शरीर को काटकर रेफ्रिजरेटर में रखने और बाद में दिल्ली के महरौली में भागों का निपटान करने का आरोप लगाया गया है। अनुज मिथिलावासी द्वारा लिखित लव जिहाद अवेयरनेस नामक गीत, जिसे रॉय रजनीश द्वारा गाया गया था और संगीत कंपनी याजुक म्यूजिक द्वारा निर्मित किया गया था, उसको हत्या ग्लोरीफाई किया गया है। ये लव जिहाद के कई गानों में से एक है जो पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब पर सामने आया है। रजनीश रॉय ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम को बताया कि श्रद्धा की मौत की खबर ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्हें कुछ करना पड़ा। मैं पिछले 3 से 4 सालों से संगीत बना रहा हूं और मैंने संदेश फैलाने के लिए अपने संगीत का उपयोग करने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया कि उनका संदेश वास्तव में क्या है, तो उन्होंने कहा, प्यार में पड़ना और अपने माता पिता की सहमति से शादी करना। मैं अपने गीत में किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप समाचार देखें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर बलात्कार के मामलों में आरोपी महिलाओं को शादी के लिए बरगलाने का काम करते हैं। वो मुस्लिम है और पीड़ित हिंदू लड़कियां हैं। अब अगर आरोपी का नाम अब्दुल है तो आप उसे मुसलमान के सिवा और क्या कहेंगे। उसने आगे कहा, कोई भी दो लोग प्यार में पड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार हिंदू लड़की एक मुस्लिम के साथ क्यों रहना चाहेगी जब वो जानती है कि उसके माता पिता उनके रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए ये स्पष्ट है कि वो इस तरह की बातों में फंस रही है। गाने के पोस्टर में एक महिला को दिखाया गया है, उसका आधा चेहरा लाल और हरे रंग के पारंपरिक दुपट्टे में, उसके सिर पर मांगटी का एक बिंदी और लिपस्टिक के साथ है और दूसरे आधे हिस्से में उसने काले हिजाब में बिंदी, मांगटी का और लिपस्टिक फीका पड़ना जैसा दिखाया गया है। वीडियो में ग्राफिक्स में श्रद्धा वॉकर की तस्वीर, एक फ्रिज और कई महिलाओं की तस्वीरें शामिल है जो कथित रूप से लव जिहाद की शिकार है। महिलाओं के नाम उनके फोटो के नीचे दिए गए हैं। इसमें उन पुरुषों के नाम भी हैं जिनसे वो प्यार करती थी, जैसा कि वीडियो में दावा किया गया है। नामजद सभी मर्द मुसलमान हैं। बूम ने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इन महिलाओं या लव जिहाद की इन घटनाओं पर प्रकाशित कोई सच्ची खबर है। बूम ने कई रिपोर्ट्स खंगाली, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया कि लव जिहाद का कोई एंगल कभी रिपोर्ट हुआ हो। इस तरह के गाने समाज में नफरत और लोगों के बीच अराजकता फैलाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे गाने बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, दिल्ली पुलिस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इसे जेल भेजे, ये नफरत फैलाता रहेगा हिंदू मुस्लिम के बीच। फैक्ट चेकर निवेदिता निरंजन कुमार ने ट्वीट में कहा, सुप्रीम तिवारी नाम का शख्स है जो इस तरह के गाने बनाता है। इसका गाना श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से प्रेरित कई लव जिहाद गानों में से एक है। एक और ने लिखा, गलत कुछ नहीं बोला, बस उसमें हमारे सारे इंडिया की बहन बेटियां नहीं है। समुदाय विशेष को टारगेट करने का दावा करने वाले इस तरह के रैप सॉन्ग्स को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि सोशल मीडिया से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।